पीपीडी खबर। नमस्कार, पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। जिला मुजफ्फरनगर की नगर पालिका परिषद खतौली से नवनिर्वाचित अध्यक्ष हाजी शाहनवाज उर्फ लालू ने शुक्रवार को शपथ ग्रहण करने के बाद एक बार फिर से शहर के समस्त वासिंदों का आभार व्यक्त किया है। हमारे संवाददाता शाहिद अब्बासी ने की नवनिर्वाचित अध्यक्ष हाजी शाहनवाज का शपथ लिए, किस तरीके की तैयारियां, क्या मुद्दे रहेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पानी की निकासी है, बरसात में लोगों को बड़ी परेशानी है, थोड़ी देर बाद बारिश होने के बाद पानी भरता है। तीसरा ही दूसरा यह कि और मेन अगर फिर उस पर आया जाए दोबारा से, जो मलिन बस्ती है चाहे वो मुस्लिम हो और किसी भी राजनीति की हो, वहाँ बहुत बुरा हाल है। चुनाव में देखा कि लोग बिल्कुल गांव से भी ज़्यादा, गांव में बहुत अच्छी सड़कें हैं, बहुत सुविधाएं हैं, उन मोहल्लों के अंदर बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, काफ़ी दिक्कतों का सामना लेकर जनता ने आपके बीच आई है, जनता ने आपको चुनाव लड़ाया है, आप जनता के साथ किस तरीके से काम कर पाएंगे? जनता को बड़ी उम्मीद है, जनता को जो मुझसे उम्मीद है पूरा करने का पूरा प्रयास करा जा रहा है ईमानदारी के साथ। हमारे 25 सदस्य निर्वाचित हुए, उन लोगों का सहयोग, प्रशासन का सहयोग, नगर पालिका कर्मचारियों का सहयोग लेके जो सरकार से राशि मिलती है उसके द्वारा, उससे अलग की जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सपा के अखिलेश यादव जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, उन लोगों से 5 हमारे विधायक की डिमांड है उनसे साथ लेके उन्हें कुछ उनकी निधि से शासन से जो भी तकलीफ मिलेगा पैसे के बारे में वहाँ जनता के बीच में उसे करेंगे। और चाहे नगर पालिका क्षेत्र के बिल्कुल आखिरी छोर तक सब कोई भी व्यक्ति हो, उसमें कोई जाति धर्म नहीं, क्योंकि मुझे खतौली में जितनी भी जाति है, चाहे एक भी कोई जाति है उसका घर है तो उसका वोट भी मुझे मिला। तो मैं पहले तो सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, लोगों का उनका एहसान है मेरे पास, और कभी लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं जितना उन्होंने मेरे साथ करा उससे ज़्यादा करने की। जैसे मदन भैया जी से बात हुई है, दिन रात मेहनत की है, बड़ी आपकी चिंता थी उनको, आखिर आपने सीट निकाल ही रही है, बड़ी जनता ने आपको प्यार दिया है, और आखिर उनको अभी आगे भी उम्मीद है जिस तरीके से हम लोगों ने उनसे पूछा है, तो किस तरीके की मेरे पे उनका आशीर्वाद रहा, लोकदल जो है नेताओं का, उनका भी, समाजवादी का भी, आज़ाद समाज का भी, और जो लोग मेरे बहुत करीबी चुनाव लड़ा रहे थे उनका बहुत एहसान है। उसके साथ साथ जनता ने सोचा, सबसे मेन चीज़ है खुदा का, ईश्वर का, जिन उसने उन लोगों के दिल में डाला, और मैं यही फिर खुदा से उम्मीद कर रहा हूँ, उससे दुआ करता हूँ कि जो लोगों ने मुझे प्यार दिया मैं उनके प्यार में एक उनके काम करने में खरा उतरने की पूरी कोशिश। आज जिम्मेदार जिले के जिम्मेदार अच्छे चरथावली विधायक भी आपको सम्मान देने के लिए यहाँ तक पंकज मलिक जी आपके बीच पहुँचे थे। अभी सर पंकज मलिक जी प्रोटोकॉल के हिसाब से विधायक हैं और तीसरी बार के विधायक हैं, मगर मेरा उनसे रिश्ता बड़ा है, मैं उनके फादर के साथ और मेरे भतीजे भी तरीके से हैं, मगर फिर भी मैं प्रेजेंट में विधायक हैं, पहले भी थे, और मेरा ये भी है कि आगे बने, मंत्री बने, इन सब लोगों का प्यार मोहब्बत मेरे साथ है और बना रहेगा हमेशा, मैं भी इनका आदर सम्मान करता हूँ करता रहूँ। अच्छा, जिस तरीके जनता का आप आभार व्यक्त कैसे करना चाहते हैं, जिस तरीके जनता आपसे बड़ा जनता का आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई दिखने में शब्द नहीं है, जितना उन्होंने मुझे प्यार दिया मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना मतलब मुझे मेरे साथ में प्यार हमदर्दी मोहब्बत करेंगे, मेरे पास कोई शब्द नहीं है उनके लिए। अच्छा, जिस तरीके 5 साल के कार्यकाल में कुछ काम उनके पड़े हैं, जिस तरीके सबसे पहले वही कराएंगे, बैठ के करेंगे, जो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो है, सभासद है, सब लोग बैठ के आपस में विचार करेंगे, मीटिंग करके जो भी कार्य पहले शुरू करने वाला होगा उसे जनता के में जो भी काम होगा वही काम।